एक दिन अकबर के दरबार में मनोरंजन के दौरान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज इंसान की बुद्धि और समझदारी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल क्या तुम इसे साबित कर सकते हो। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने एक बड़ी और कीमती माणिक जेमस्टोन की नीलामी रखी और सभी दरबारियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा। लेकिन नीलामी की एक शर्त थी, नीलामी में बोली लगाने वाला व्यक्ति जो भी कीमत बोलेगा उसे तुरंत चुकाना होगा। दरबारियों ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे बोली आगे बढ़ी बीरबल ने एक और शर्त जोड़ दी। उसने कहा, जो भी बोली लगाना चाहता है उसे अपनी सबसे अनमोल चीज देनी होगी। यह सुनकर सभी दरबारी पीछे हट गए। किसी ने सोचा कि उसकी दौलत अनमोल है, किसी ने सोचा कि उसका समय अनमोल है, लेकिन कोई भी नीलामी में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी चुपचाप बैठ गए। अकबर ने यह देखकर बीरबल से पूछा, तो बीरबल तुम कहना क्या चाहते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि समझदारी और बुद्धि ही सबसे अनमोल है। धन दौलत समय या अन्य चीजें भले ही कीमती हों, लेकिन बिना बुद्धि के उनका कोई मूल्य नहीं। दरबारियों की समझदारी ने उन्हें सही फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में सबसे अनमोल चीज हमारी समझदारी और बुद्धि है। सही फैसले लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार अकबर के खजाने से सोने के कुछ सिक्के गायब हो गए। जब इस चोरी का पता चला तो दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, खजाने से सिक्के चोरी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज रात हम एक विशेष पूजा करेंगे जिससे चोर का पता चल सके। इस पूजा में एक जादुई डिब्बा रखा जाएगा। इस डिब्बे के पास जो भी चोर जाएगा उसकी दाढ़ी में तिनका लग जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे रात में एक एक करके उस डिब्बे के पास जाकर सिर झुकाएं। सभी दरबारी डर के मारे परेशान हो गए। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को फिर से इकट्ठा किया। उसने देखा कि उनमें से एक दरबारी बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहा था और घबराया हुआ था। बीरबल समझ गया कि वही चोर है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर यही दरबारी है। इसे डर था कि उसकी दाढ़ी में तिनका न लग जाए, इसलिए वह बार बार अपनी दाढ़ी को चेक कर रहा था। दरबारी ने डर के मारे अपनी गलती कबूल कर ली और चोरी किए गए सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और गलत काम को छिपाना मुश्किल है। डर और अपराध बोध अक्सर सच्चाई को उजागर कर देते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम मुझे इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं कल ही चार मूर्खों को आपके सामने पेश कर दूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर के बाजार में ले गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर एक भारी बोझा उठाए हुए था, लेकिन उसके पास ही एक गधा खाली खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसके पास गधा है, लेकिन फिर भी ये खुद बोझ उठाए हुए है। अकबर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, दूसरा मूर्ख कौन है। बीरबल ने आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी कुएं में झांक रहा था और बार बार खुद को कोस रहा था। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है। इसने गलती से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी और अब सोच रहा है कि वह इसे डांटकर बाहर खींच लेगा।
अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, और तीसरा मूर्ख? आगे चलते हुए बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक पेड़ से बार बार टकरा रहा था। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है। यह सोच रहा है कि पेड़ से टकराने से इसके रास्ते की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब अकबर बहुत खुश हो गए और बोले, बीरबल, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चौथा मूर्ख मैं हूँ जो इन मूर्खों को दिखाने के लिए आपको यहाँ ले आया। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा समझदार कोई नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता को पहचानना भी एक समझदारी की निशानी है। जीवन में व्यर्थ चीजों पर समय बर्बाद करने की बजाय सही सोच और बुद्धिमानी से काम लेना ही श्रेष्ठ है। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने सभी दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना और चांदी सबसे कीमती है। कुछ ने कहा, हीरे और मोती। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पना। बीरबल ने सभी दरबारियों को शाम को एक खास जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। वह जगह एक खूबसूरत बाग में थी, जहां बीरबल ने सभी दरबारियों और अकबर के लिए शानदार भोजन और मनोरंजन का इंतजाम किया था। लेकिन बीरबल ने जानबूझकर अकबर को समय से थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा। जब अकबर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि बाकी दरबारी पहले ही खाना खा चुके थे और मनोरंजन का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका था। अकबर ने निराश होकर बीरबल से पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और न ही कुछ खाया, तुमने मुझे देर से क्यों बुलाया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यही मैं आपको समझाना चाहता था। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपने समय पर आकर सबका आनंद लिया होता तो आपको यह अनुभव होता। इसलिए समय ही सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। अकबर के दरबार में एक दानवीर ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्याम था। वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी दानवीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अकबर ने श्याम की दानवीरता का परीक्षण करने का मन बना लिया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, श्याम की दानवीरता का परीक्षण करना है, तुम लोग एक योजना बनाओ। मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब आदमी को श्याम के पास भेजा। उस गरीब आदमी ने श्याम से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे भूख लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। श्याम ने बिना किसी हिचकिचाहट के गरीब आदमी को एक कटोरा भोजन दिया। गरीब आदमी ने भोजन खा लिया और चला गया। अगले दिन मंत्री फिर से एक गरीब आदमी को श्याम के पास भेजा। उस गरीब आदमी ने भी श्याम से कुछ खाने की मांग की। श्याम ने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के गरीब आदमी को भोजन दिया। इस तरह मंत्री कई दिनों तक गरीब आदमियों को श्याम के पास भेजते रहे। हर बार श्याम ने बिना किसी शर्त के भोजन दिया। अंत में अकबर ने श्याम को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम हर दिन इतना भोजन दे सकते हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दिन भोजन दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक अनमोल खजाना है। वह खजाना है मेरा दिल। जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। अकबर ने श्याम की दानवीरता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे सम्मानित किया। श्याम की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। एक बार अकबर के दरबार में एक अंधा आदमी आया। वह अकबर से शिकायत करने लगा कि उसे नजर नहीं आ रही है। अकबर ने उसे समझाया कि वह एक अंधा आदमी है
उसे नजर कैसे आ सकती है? अंधे आदमी ने कहा, महाराज, आप तो बहुत समझदार हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं देख सकूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, इस अंधे आदमी को ऐसा उपाय बताओ जिससे वह देख सके। बीरबल ने अंधे आदमी से कहा, महाराज ने मुझे एक उपाय बताया है। आपको एक बहुत ही खास जगह जाना होगा। वहां जाकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अंधे आदमी ने बीरबल की बात मान ली और उस खास जगह पर चल पड़ा। बीरबल उसे एकांत जगह पर ले गया और कहा, यही वह जगह है जहां आपकी आंखें खुल जाएंगी। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ देर रुकिए। अंधे आदमी ने बीरबल की बात मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल ने उस समय का फायदा उठाया और अंधे आदमी की आंखों पर एक पट्टी बांध दी। जब अंधे आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह हैरान हो गया और बीरबल से पूछा, आपने धोखा दिया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, फिर भी आपने कैसे पट्टी बांध दी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैंने आपको एक सबक सिखाया है। जब आपकी आंखें बंद थी तब भी आपने विश्वास किया कि आप देख सकते हैं। उसी तरह जब आपके पास कुछ नहीं है तब भी आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है। आपको हमेशा अपने पास मौजूद चीजों का ही मूल्य समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे पुरस्कार दिया। अंधे आदमी ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और समझ गया कि बीरबल ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। एक बार अकबर ने बीरबल को एक काम सौंपा। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो इतना तेज दौड़े कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और एक घोड़े की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा कोई घोड़ा ढूंढ पाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने ऐसा कोई घोड़ा नहीं ढूंढ पाया जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके, लेकिन मेरे पास एक और विचार है। अकबर ने बीरबल की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। मैं उस घोड़े को इतना तेज दौड़ाऊंगा कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सकेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे एक घोड़ा दे दिया। बीरबल ने घोड़े पर सवार होकर उसे एक खाली मैदान में ले गया। फिर उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था। जब अकबर ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को पुरस्कार दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे ऐसा किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ घोड़े को दौड़ाया था। उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था क्योंकि मैंने कोई भी घोड़ा नहीं लाया था। मैंने सिर्फ आपके घोड़े का इस्तेमाल किया था। अकबर बीरबल की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे और भी अधिक सम्मान दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में शांति और सुखचैन लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, महाराज, आपके राज्य में शांति और सुखचैन लाने के लिए आपको एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहां लोग एकजुट हो सकें और अपने मन की शांति पा सकें। ऐसा स्थान लोगों के बीच सद्भाव और समझ पैदा करेगा। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और पूछा, तो ऐसा स्थान क्या हो सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप एक बहुत बड़ा तालाब बनवा सकते हैं। तालाब का शांत स्वभाव लोगों के मन को शांत कर देगा। इसके अलावा लोग तालाब के पास बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और आपस में समझौता कर सकते हैं।
तालाब एक ऐसा स्थान होगा जहां लोग एकजुट होकर शांति और सुखचैन का अनुभव कर सकेंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और तालाब बनवा दिया। जैसे ही तालाब बन गया, लोग वहां आने लगे। तालाब के पास बैठकर लोग शांति महसूस करते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा कम हो गया। लोग तालाब के पास बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और आपस में समझौता करते थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल की सलाह से अकबर के राज्य में शांति और सुखचैन आ गया। तालाब न केवल लोगों के मन को शांत करता था, बल्कि यह उनके जीवन में भी सुख और शांति लाता था। लोग तालाब के पास बैठकर प्रकृति के साथ एकता महसूस करते थे और अपने दैनिक जीवन की चिंताओं से दूर हो जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ जो दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, महाराज, वह चीज आपकी परछाई है। परछाई दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम गलत हो, वह चीज परछाई नहीं है। बीरबल ने फिर से सोचा और कहा, महाराज, अगर वह चीज परछाई नहीं है तो वह क्या हो सकता है? अकबर ने कहा, वह चीज एक ख्याल है। ख्याल दिखता तो है लेकिन छूया नहीं जाता। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर हंस दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी पहेली में कहा गया था कि चीज दिखती तो है लेकिन छुई नहीं जाती। ख्याल एक चीज नहीं है, वह एक विचार है। विचारों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, वे हमारे मस्तिष्क में ही मौजूद होते हैं। इसलिए आपकी पहेली का कोई जवाब नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धि और चालाकी की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धि का एक उदाहरण यह भी है कि जब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसा घोड़ा चाहता हूँ जो इतना तेज दौड़े कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और एक घोड़े की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसे ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा कोई घोड़ा ढूंढ पाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने ऐसा कोई घोड़ा नहीं ढूंढ पाया जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। लेकिन मेरे पास एक और विचार है। अकबर ने बीरबल की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए। मैं उस घोड़े को इतना तेज दौड़ाऊंगा कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सकेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे एक घोड़ा दे दिया। बीरबल ने घोड़े पर सवार होकर उसे एक खाली मैदान में ले गया। फिर उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था। जब अकबर ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को पुरस्कार दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे ऐसा किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ घोड़े को दौड़ाया था। उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था क्योंकि मैंने कोई भी घोड़ा नहीं लाया था। मैंने सिर्फ आपके घोड़े का इस्तेमाल किया था। अकबर बीरबल की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे और भी अधिक सम्मान दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से एक पहेली पूछी। उसने कहा, बीरबल, मेरे पास एक ऐसा पक्षी है जो दिन में उड़ता है और रात को गाता है, यह पक्षी क्या है? बीरबल ने अकबर की पहेली पर सोचा। फिर उसने जवाब दिया, महाराज, वह पक्षी चिड़िया है। चिड़िया दिन में उड़ती है और रात को गाती है। अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम गलत हो, वह पक्षी चिड़िया नहीं है। बीरबल ने फिर से सोचा और कहा, महाराज, अगर वह पक्षी चिड़िया नहीं है तो वह क्या हो सकता है? अकबर ने कहा, वह पक्षी एक बिल्ली है। बिल्ली दिन में उड़ती नहीं है,
लेकिन रात को गाती है। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर हंस दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी पहेली में कहा गया था कि पक्षी दिन में उड़ता है और रात को गाता है। बिल्ली एक पक्षी नहीं है, वह एक जानवर है, इसलिए आपकी पहेली का कोई जवाब नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ और उसे पुरस्कार दिया। बीरबल की बुद्धि और चालाकी की कहानियाँ आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धि का एक उदाहरण यह भी है कि जब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक ऐसा घोड़ा चाहता हूँ जो इतना तेज दौड़े कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और एक घोड़े की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके। जब बीरबल अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम ऐसा कोई घोड़ा ढूंढ पाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने ऐसा कोई घोड़ा नहीं ढूंढ पाया जो इतना तेज दौड़ सके कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सके, लेकिन मेरे पास एक और विचार है। अकबर ने बीरबल की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने कहा, महाराज, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए, मैं उस घोड़े को इतना तेज दौड़ाऊंगा कि उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं दौड़ सकेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसे एक घोड़ा दे दिया। बीरबल ने घोड़े पर सवार होकर उसे एक खाली मैदान में ले गया। फिर उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था। जब अकबर ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को पुरस्कार दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे ऐसा किया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने सिर्फ घोड़े को दौड़ाया था, उसके पीछे कोई भी घोड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने कोई भी घोड़ा नहीं लाया था, मैंने सिर्फ आपके घोड़े का इस्तेमाल किया था। अकबर बीरबल की चालाकी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे और भी अधिक सम्मान दिया। अकबर महान मुगल बादशाह थे जो जानवरों से, विशेषकर मोरों से बहुत प्यार करते थे। उनके शाही बगीचे में एक शानदार मोर था जिसके पंख सूर्य की रोशनी में चमकते थे। उसकी सुंदरता और गौरव का कोई मुकाबला नहीं था। मोर अकबर के लिए एक विशेष प्रतीक बन गया था, शाही शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता था। एक दिन मोर अचानक गायब हो गया। अकबर को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे राज्य में मोर की खोज करने का आदेश दिया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में गए, लेकिन मोर का कोई पता नहीं चला। अकबर के दरबारियों ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में अकबर ने अपने बुद्धिमान और मजाकिया सलाहकार बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल, हमेशा समस्या समाधान करता, एक चालाक योजना तैयार की। उन्होंने अकबर से शाही बगीचे में सभी दरबारियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। एक बार जब सभी इकट्ठे हो गए तो बीरबल ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति मोर के पंखों को खड़ा कर सकता है उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के इच्छुक दरबारियों ने तरह तरह की युक्तियां अपनाई। कुछ ने मोरों पर चिल्लाया उन्हें डराने की उम्मीद में, अन्य ने उन्हें भोजन या पानी दिया, कुछ ने उन्हें संगीत बजाया उन्हें आकर्षित करने की कोशिश में, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मोर शांत और अचंभित रहे। अंत में बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने मोरों को देखा और कोमल सुखद आवाज में कहा, मेरे पंख वाले दोस्तों, आप बहुत खोए हुए और अकेले महसूस कर रहे होंगे। चिंता न करें, मैं आपका घर खोजूंगा। जैसे ही उन्होंने बोला, मोरों के पंख उठने लगे, उनकी आंखों में आशा भर गई। ठीक उसी समय एक नौकर बगीचे में दौड़ता आया, चिल्लाते हुए, महाराज, मुझे मोर मिल गया है, यह शाही रसोई में छिपा था। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की चतुराई के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें उदारता से पुरस्कृत किया। और उस दिन से
अकबर के बगीचे में मोरों को देश में सबसे अधिक संतुष्ट और सुंदर पक्षी के रूप में जाना जाता था। बीरबल की बुद्धि और अकबर की उदारता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई।